हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साई सदा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन तरफ़ कंबाइंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2023 वैकेंसी आउट हो पा मैंने जो थे कि आम जेई सिविल भी अच्छी, माइनिंग भी अच्छी, जूनियर इंजीनियर मेकानिकल, जूनियर इंजीनियर MBI जोटा कि ऑटोमोबाइल्स डिप्लोमा पे लैबोरेटरी असिस्टेंट एंड ट्रेसर। ओके, ये समस्त पिला माने आउ CGL पिला माने जोटा कि सेपरेट एग्जामिनेशन हो CGL रि तो समस्त पिला माने गोटे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कमनली होची सेम पैटर्न पिला माने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो आमर थंबनेल होची पिला माने कि हाउ टू क्रैक द OSSC प्रिलिम एग्जामिनेशन, आमे केमिति प्रिलिम एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करिबा, को स्ट्राटेजी फॉलो करिबा, सिलेबस कौन केमिति प्रिपरेशन रहइबो ता ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करिबा। जेमति कि टैगलाइन पिला माने सिलेक्शन इज द अल्टीमेट एम, दिस इज द टैगलाइन फॉर प्रिलिम एग्जामिनेशन हाउ टू क्रैक OSSC कंबाइंड टेक्निकल रिक्रूटमेंट सर्विस 2023। जो माने चैनल न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, सब्सक्राइब पास जो बेल आइकन अच्छे क्लिक कर दिखाँ, अपकमिंग जहाँ भी आसो रिलेटेड टू OSSC OPSC एंड ट्रिपल एग्जामिनेशन आपन को नोटिफिकेशन आपन को नोटिफिकेशन मिल जाए, आप क्लास को अटेंड करने। ओके, तो जो वैकेंसी पिला माने अच्छी आम जी देखा जोटा कि कंबाइंड टेक्निकल सर्विस रिक्रूटमेंट रो 20 December रो पिला माने एप्लीकेशन आपण माने अप्लाई करि परिबे, जो थरे कि माइनिंग ऑफिसर, जूनियर माइनिंग ऑफिसर 196 पोस्ट अछि। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन रे पिला माने 5 टाइम्स जेते कि पोस्ट अछि, पोस्ट इनटू 5 टाइम्स पिला सिलेक्शन रहिबे मेन एग्जामिनेशन पे। तो सेही हिसाब रे पिला माने जेते कि भी पोस्ट अछि, ओके, जूनियर MBA हो, जूनियर इंजीनियर मेकानिकल हो, सिविल हो, जेतिक भी पोस्ट अच्छे पिला माने 5 टाइम्स रो पिला माने सिलेक्शन हेबे। एटा जेमति माइंड रो केबे बी भूल रे भी ए दिनस जेमति भूलि न जा, मन रख पिला माने कि पोस्ट जेतिक अच्छे 5 टाइम्स पिला सिलेक्शन हेबे, देन तमको निजर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, निजर प्रिपरेशन को इंप्रूव को लेवल रे करिवार अच्छे, देन तमे निजे निजे को ही डिसाइड कर। ओके, देन आमे देखिया पिला माने जेमते कि ये तो गला CGL रे भी पिला माने OSSC CGL रे भी लगभग 500 प्लस वैकेंसी अछि। ओके, देन ये पिला माने डिफरेंट डिपार्टमेंट रे जूनियर इंजीनियर मेकानिकल, माइनिंग ऑफिसर, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, लैबोरेटरी असिस्टेंट, ट्रेसर, ऑल एग्जामिनेशन पाइ ओके। तो पिला माने बहुत गुड़े वैकेंसी अच्छी। तो ये हूँ कौन पिला माने प्लान ऑफ पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। तो फास्ट हूँ पिला माने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जोटा कि पिला माने समस्त सेम रोचे, से जूनियर माइनिंग हो किंबा जेई सिविल हो, CGL हो, ट्रेसर हो, लैबोरेटरी असिस्टेंट हो, ऑटोमोबाइल हो, इंजीनियरिंग डिप्लोमा। तो स्टेज वन पिला माने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, तो आपण मानकर जेतिक भी पोस्ट अछि 5 टाइम्स पिला सिलेक्शन। तो आमर पिला माने 150 मार्क रो एग्जाम होबो, 150 मिनट आपण मानको दिया जिवो, ता माने ईच क्वेश्चन 1 मिनट। ओके, ता माने टॉपिक होची कोन पिला माने एठी देई देई छी सिलेबस गुडी को, एरिथमेटिक, डाटा इंटरप्रिटेशन जोतरे चार्ट अछि, ग्राफ अछि, टेबल अछि, डाटा सफिशिएंसी अछि। ओके, 3 नंबर पिला माने लॉजिकल रीजनिंग अछि, एनालिटिकल एबिलिटी अछि, जनरल मेंटल एबिलिटी अछि। 4th रे पिला माने करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस अछि। 5th रे कंप्यूटर और इंटरनेट अवेयरनेस अछि। तो एठी गोटे दिन से पिला माने तमरो 0.25 मार्क नेगेटिव होबो, काहे कि ना तुमको 4टा ऑप्शंस देतिबो, आउ पिला माने एग्जाम विल बी आइदर OMR रो होबो नरे CBSE होबो, कंप्यूटर बेस्ड हो पारे नले OMR हो पारे, नॉट क्लियर टिल नाउ। ओके, धीरे धीरे जिते बेले दिन सब गुडा को क्लियर होबो, कैना प्रीलिम रा एग्जाम डेट पिला माने फेब्रुवारी रो अप्रैल भीतर देई छी, फेब्रुवारी रो अप्रैल 2024 भीतर देई छी, टेंटेटिव डेट नॉट फाइनलाइज्ड,
ओके 15 डेज किबा 1 मंथ पूर्व ओएसएससी क्लैरिटी दबो ओएमआर रे हबो कि सीबीआरसी रे हबो कि फेब्रुअरी एग्जाम होची कि अप्रैल एग्जाम होची द ऑल डिटेल्स शुड बी क्लैरिफाइड बाय द ओएसएससी ओके तो मेन होची कोन आमे केमिति ए जो दिनसो को क्लियर करिबा एठी देखा पिला माने एठी होची एरिथमेटिक रो आमे जदि देखिबा 30% क्वेश्चंस आसे एटा पिला माने लास्ट ईयर जो ओएसएससी रो एग्जाम प्रीलिम हेतला सीजीएल हो लास्ट ईयर जो ओएसएससी रो जेई एंड एटीओ रे हेतला से सेम पैटर्न को पिला माने ब्रेकअप ऑफ क्वेश्चन जो 150 क्वेश्चंस आसीबो ए 150 क्वेश्चंस रो 30% एरिथमेटिक मींस 45 टा क्वेश्चन पिला माने एरिथमेटिक रे आसीबो डाटा इंटरप्रिटेशन 20% आसीबो जोटा की केते 150 रो 20 30 क्वेश्चंस आसीबो डाटा इंटरप्रिटेशन तापर रीजनिंग पार्ट रहला जोटे के जनरल मेंटल एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग सेही पार्ट रो पिला माने 24% आसीबो माने 36 क्वेश्चन आसीबो देन करंट इवेंट्स नेशनल करंट अफेयर जोटे को छे नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स गुडी को से पिला माने 12% आसीबो जोटे के 18 टा क्वेश्चन आसीबो बाकी रहला कंप्यूटर अवेयरनेस पिला माने जोतरे की 14% रो क्वेश्चन आसीबो दैट इज 21 क्वेश्चन आसीबो ताने कौन जी देखिए पिला माने ये हूँ क्वेश्चन रो ब्रेकअप जो 150 टा क्वेश्चन 150 मिनट रे दबा कोथरे केते क्वेश्चन आसीबो कोथरे केते क्वेश्चन आसीबो ता बिषय में एटी देखि देले ओके ता पर जे देखिबा डिटेल रे पिला माने हमर एरिथमेटिक रो 10 स्टैंडर्ड अछि 45 टा क्वेश्चन सिलेबस गुडी को कोन ना नंबर सिस्टम रो क्वेश्चन आसीबो एचसीएल एलसीएम रो स्क्वायर रूट क्यूब रूट एवरेज प्रॉब्लम ऑन एचएस परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियो प्रोपोर्शन पार्टनरशिप पाइप सिस्टम टाइम वर्क टाइम डिस्टेंस बोट स्ट्रीम सिंपल कंपोनेंट टेस्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स सबुथर पिला माने सबुथर क्वेश्चन आसुची 45 टा क्वेश्चन आसीबो ओके ता सहित भी पिला माने क्लॉक रो भी क्वेश्चन आसुची ओके क्लॉक रो क्वेश्चन आसुची कैलेंडर भी क्वेश्चन आसुची ओके तो डिफरेंट केते गुडी एक्स्ट्रा टॉपिक भी रहुची जोटा के निहाती करबा दरकार ए सब दिनस को कंप्लीटली कवर करिया पे पड़ी ओके तो नेक्स्ट होची पिला माने हम जदि देखिबा डाटा इंटरप्रिटेशन पार्ट डाटा इंटरप्रिटेशन पार्ट रे चार्ट अछि ग्राफ अछि टेबल अछि डाटा सफिशिएंसी अछि ओके ए जो डाटा सफिशिएंसी पार्ट पिला माने इट इज टू डिफिकल्ट पार्ट ए जो पार्ट रे हमरो एरिथमेटिक रो क्वेश्चन टॉपिक गुडा को आसीबो रीजनिंग टॉपिक गुडा को आसीबो से टॉपिक को नेकी से टॉपिक को नेकी डाटा सफिशिएंसी कि नै क्वेश्चन गुडा को पचारे थ्योरेटिकली ओके देन ए चारिटा को टॉपिक को नेकी डाटा इंटरप्रिटेशन रो क्वेश्चंस आसे देन रीजनिंग पार्ट जो कि लॉजिकल रीजनिंग हे गला एनालिटिकल एबिलिटी हे गला जनरल मेंटालिटी एबिलिटी रे ब्लड रिलेशन सीरीज रैंकिंग ए सब दिन सब गुडा का आसुचे रीजनिंग पार्ट गुडा करे जो कि 36 टा क्वेश्चन आसीबो ओके नेक्स्ट हो जी करंट इवेंट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपोर्टेंस ओके तो एथिरे कोन होची पिला माने हमरो कि 18 टा क्वेश्चन आसीबो 18 टा क्वेश्चन आसुचे इंपोर्टेंट पिला माने एग्जाम जदि फेब्रुअरी रे हला देन एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ रो करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल को देखिया पे पड़िबो कंपल्सरीली ओके नेक्स्ट होची पिला माने कंप्यूटर कंप्यूटर एंड इंटरनेट अवेयरनेस रे पिला माने 21 क्वेश्चंस आछे जोटे की पिला माने एमएस ऑफिस रो मैक्सिमम क्वेश्चन आसे ओके एमएस वर्ड हे गला एमएस एक्सेल हे गला एमएस एसएस हे गला एमएस पावर पॉइंट हे गला ओके देन बेसिक फंडामेंटल्स हे गला ओके बहुत गुडे दिन से कंप्यूटर रो आसीबो पिला माने ओके तो सबुटो एते सब आमे जति पजंत जो डिस्कस करले पिला माने ये सबुति कोन डिस्कशन करले कि हमरो क्वेश्चन केतेटा आसीबो केते मार्क रहबो सिलेक्शन केमिति हबो सिलेबस कोन कोन रहइबो हमकु कोन करिवार अछि तो देखो पिला माने निजे निजर वैकेंसी समस्त जानिछो तार 5 टाइम्स पिला सिलेक्शन हे ओके सेति पई पिला माने तुम कोन करिया पई पड़िबो कि स्पेशली पिला माने एरिथमेटिक को जदि देखिबा एरिथमेटिक डाटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग ए जो पार्ट गुडा का ए तीनटा को मिसेल केतो होछि पिला माने ना 111 टा क्वेश्चन एतु राशि ता माने कोन मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव पार्ट रो 111 टा क्वेश्चन से जोटा के मोस्ट क्रुशियल पॉइंट हे जीवो प्रीलिम एग्जामिनेशन पे ए 100 टा 111 क्वेश्चन को फुल्ली टारगेट करिया पे पड़िबो ईच कांसेप्ट रीजनिंग रो डाटा इंटरप्रिटेशन रो एरिथमेटिक रो फुल्ली क्लैरिटी रो सहित करिया पे पड़िबो पिला माने हमर YouTube रो प्लेलिस्ट रे साइंस ऑफ एजुकेशन YouTube रो प्लेलिस्ट को जीवो प्लेलिस्ट रे हमर लास्ट ईयर जतले जे एंड एटीओ पिला माने को पई आमे थ्योरी गुडा को पढ़ाइतिले
एरिथमेटिक रि क्लासेस गुड़ा करें पाखापाखि 47 क्लासेस थी रिजनिंग पाखापाखि 30-35 क्लासेस थी डाटा इंटरप्रिटेशन भी क्लासेस थी 30-30 प्लस क्लासेस थी ओके जोटा कि भेरी भेरी एसेनसीआल फर थीओरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ओके जो मैंने यदि चाहूँ यूट्यूब रु देखापी तो अलरेडी पे मैंने क्लासेस गुड़ाक अच्छी थीओरिटिकल जो थी पूरा जीरो लेवल थीओरिटिकल पढ़ा जाए कंप्यूटर भी क्लासेस अच्छी ओके ये चारा करेन्ट अफेयर देखनी करेन्ट अफेयर फर जे एंड ए टू से एक्जामेसन थी ओके जदि पे साई श्रद्धा एजुकेशन आप्लिकेसन साई श्रद्धा एजुकेशन आप्लिकेसन प्ले स्टोर रु डाउनलोड कर प्ले स्टोर पे गोटे आरंभ टार्गेट बैच कर गोटे बैच लंच हो जोटा कि 14 डिसेम्बर 14 डिसेम्बर पे डिस्क्रिप्सन बक्स लिंक देदेवि आप्लिकेसन रैच रोटा कि एव्री प्रिलिम को टार्गेट रखिकी टार्गेट ओरिएंटेड बैच मीन्स जिते पर्यंत एग्जाम कंडक्ट नई से पर्यंत ये बैच चली जोटा कि पांचटाक सब्जेक्ट एरिथमेटिक रिजनिंग डाटा इंटरप्रिटेशन कंप्यूटर करेंट इवेंट पांचटाक टॉपिक को टार्गेट रखिकी क्लासेस स्टार्ट हो 14 डिसेम्बर जमीती कि लास्ट इयर आम जेई एटीओ पाला टार्गेट नहीं स्टार्ट करते यूट्यूब आप्लिकेसन दे सक्सेस भी पाई आम मैक्सीम बहुत गुड़े पिला 95 प्लस परसेंटेज पिला आमर पाई जाइए प्रिलिम क्लीयर करते तो एथेर आम टार्गेट रखे कि आम जमी सब दिग जहाँ जो मैंने भी टार्गेट करुच हार्डवर्क करुच डेडिकेशन सहित प्रिपेरेसन जारी रखीच कंटिन्यूटी रखीच ओके पेसेंस अच्छी पेसेंस सहित हार्डवर्क करुच पे सक्सेस पाओ ओके तो आरंभ बैच जो मैंने चाहूच एनरोल करने करनवा दिस इज द ओनली टार्गेट ओरिएंटेड बैच जो थे कि पे आम केवल एम सिक्यूज फोकस करवा प्रोबेबल क्वेश्चन फोकस करवा ओके जो थे कि आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फोकस करवा मैक्सिमम एम सिक्यूज बैच जो थे कि आम एम सिक्यूज एत प्राक्ट करवा कि जमीक एक्जामेसन प्रिलिम एक्जाम क्वाफाए कर पार्बा से पाने 14 डिसेम्बर ए बैचटा लंच हो जो मैंने चाहूँ एनरोल करवाब ओके नेक्स्ट हूँ पे कौन कि जो मैंने मैथमेटिक्स विक् अच्छ जो मैंने मैथमेटिक्स कि एरिथमेटिक्र विक् अच्छे जमीक यूट्यूब भी कहली जदि पे आप्लिकेसन लाइव क्लासेस भी रोचे आप्लिकेसन पे अर्जुन बैच कर गोटे अच्छे स्पेशल पे कौन ना एरिथमेटिक फाउंडेसन टू आडभांस लेवल टा जो मैंने विक् अच्छ क्या एरिथमेटिकटा 45 क्वेश्चनस आसूच ता सहित भी एरिथमेटिक इंपोर्टेन्सटा डाटा इंटरप्रिटेशन भी अच्छी ओके डाटा इंटरप्रिटेशन जो डाटा सफिसीयसी पार्ट अच्छे कैलकुलेसन पार्ट अच्छे ये एरिथमेटिक पार्ट उपर डिपेंड कर ओके तो मोस्ट प्रोबेबली एरिथमेटिकटा गोटे इंपोर्टेन्ट क्रुशियाल पॉइंट हो पे प्रिलिम एग्जामिनेशन पे ओके फिर भी पे जो मैंने चाहूँ एनरोल करनेब जी जो मैंने चाहूँ यूट्यूब रु पढ़ाई पढ़ी नब ओके तो मेन फोकस हूँ कौन पे तुमको डेली डेली टार्गेट फिक्स करिवार अच्छे कि मत कौ जिन कभर करिवार अच्छे डेली टार्गेट करो डेली टार्गेट फिक्स करो डेली टार्गेट फिक्स करो से टार्गेट को अचीव कर सेम डे से टार्गेट को अचीव कर सेम डे तुमको कौन करिवार अच्छे खाली पे प्रिलिम पढ़ला हेनी खाली पे प्रिलिम पढ़ला हेनी कहीं प्रिलिम जितने रेजल्ट बाहर पे मेन एक्जामेसन विदिन 28 डेज भितर हो जाए ओके तो प्रिलिम सहित पे मेन भी प्रिपेरेसन जारी रखे जो मैंने कि जे सिविल पे कि माइनिंग अफिसर पे मेकानिकल इलेक्ट्रिकल समस्त निजर डिफरेन्ट डिसीप्लीन जो मैंने अच्छ प्रिलिम सहित मेन प्रिपेरेसन कर आटलिस्ट मेन 2 आवर्स एव्री डे स्टार्ट कर प्रिलिम 3-4 आवर्स बाहर करो एति की जिनस ना हेनी प्रेजेंट डे तुमको इनभेस्ट करवाई पड़ो टाइम को इनभेस्ट करने पड़ो जो मैंने हाउस होल्डर अच्छ कि जब होल्डर अच्छ सर्विस वाला अच्छ तो जो मैंने चाहूँ निज कैरियर को गोटे बेटर वे रे नहीं आगे जीवार अच्छे तो साक्रिफाइस करने पड़ो स्ट्रगल करने पड़ो विदाउट स्ट्रगल आज पर्यटन कई सक्सेस पाई कि केवे पाइबे हिस्ट्री देखने पे जो मैंने स्ट्रगल कर ओके से लाइफ फ्यूचर दिन ना दिन सक्सेस पाई तो स्ट्रगल करने पड़ो ओके जेहेतु वैकेंसी गुड़िक बहुत कम अच्छी देन प्रिपेरेसन लेवल स्ट्राटेजी लेवल आउ डेडिकेसन हार्डवर्क पेसेंस रखिया पे पड़ो रखिकी धीरे धीरे गोटे 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 जिनस क्लीयर करवा ओके जो मैंने पे सिविल इंजीनियरिंग पे जो मैंने चाहूँ कि आम फाउंडेसन लेवल रु जीरो लेवल रु पढ़ापी आडभांस लेवल पर्यटन टेक्निकल पेपर सिविल इंजीनियरिंग आदित्य बैच करके पे क्लास कंटिन्यू अच्छे आप्लिकेसन ओके डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक देदेवि जो थे कि पे आमर अलरेडी 94 क्लासेस कम्प्लीट हो सारे आउट ऑफ 240 क्लासेस जो थे कि 5-6 सब्जेक्ट कंटिन्यू अच्छी पे बाकी रिसेंट क्लास कंटिन्यू अच्छी डेली
1 to 2 hour class होची जो माने चाहो छे एनरोल करिया को करि नबो एप्लीकेशन अवेलेबल होची तो मेन फोकस होची कोन पले माने जते बेले हमरो फोकस कोन रहिबो तमरो टारगेट कोन रहिबो तमे प्रथमे सिलेबस को बुझिलो ओके सिलेबस को बुझिलो पैटर्न को बुझिलो कंपटीशन लेवल को बुझिलो 5 टाइम्स पिला माने सिलेक्शन हेबे ओके सिलेबस कोन तुमरो प्रीलिम सहित एट ए टाइम मेन को भी पढिया पे पढिबो ओके तो सब दिनस को एट ए टाइम ने के जे पे पढे ताहे की तमरो अल्टीमेट एम कोन होबो फाइनल सिलेक्शन अल्टीमेट एम कोन होबो पिला माने फाइनल सिलेक्शन खाली प्रीलिम क्वालिफाई कर देल हबनी पिला माने प्रीलिम क्वालिफाई कले हबनी मेन भी क्वालिफाई करिया पे पड़िबो ताहाले जाय कि फाइनल सिलेक्शन हे पड़ तो जो माने भी गोटे स्टार्ट करूचो ओके प्रिपरेशन लेवल को इंप्रूव कर गोटे इनिशिएटिव नियो गोटे स्टार्टअप नियो कि मते फाइनल सिलेक्शन नहीं कि जिवार अछि देन ऑटोमेटिकली प्रीलिम भी हे जो मेन भी हे जो ओके जो टी भी प्रिपरेशन करूचो कर निजे निजे सेल्फ स्टडी करूचो जहां भी करूचो पिला माने टारगेट रखो फाइनल सिलेक्शन मते फाइनल सिलेक्शन नहीं कि जिवार अछि मते मो पोस्ट को सिक्योर करिवार अछि ओके तो सेति पई पिला माने निजर प्रिपरेशन लेवल को हाई करो कारण प्रीलिम एग्जामिनेशन फेब्रुवारी रु अप्रैल भितरे से टाइम देजी से 1 मंथ अगुरु आवर करे नबो ओएसएससी तो पिला माने ऑल आर मैच्योर्ड ऑल आर द इंजीनियर्स ओके तमे भलो वे रे जानिछ तमु कोन करिवार अछि स्ट्रगल न होले किछि भी सक्सेस लाइफ रे मिलिवो नाही आ टफ एग्जामिनेशन पिला माने तुमको बहुत गुड़े पिला को काटी के प्रीलिम क्वालिफाई करिवार अछि प्रीलिम रु मेन क्वालिफाई करिवार अछि ओके देन डीवी रे भी पिला माने प्रॉपर वे रे मार्क रखिवार अछि मेन एग्जामिनेशन ताकि जो 0.5 1 मार्क 2 मार्क जो जो डरटा रहूछि से डर भी जेमदी नथिबो तो प्रिपरेशन करिवो निजर गुटिया पोस्ट पे निजे निजर पोस्ट पे स्ट्रगल करो निजे निजर गुटे पोस्ट को सिक्योर करिया पे स्ट्रगल करो आ सफिशिएंट टाइम देके प्रिपरेशन आज तरी करिया पे पड़िबो गुटे स्टार्टअप स्टार्ट करे पिला माने प्रिपरेशन जारी रखो सक्सेस निश्चय मिलो थैंक यू एवरीवन।